मेरा नाम विजय शांताराम शेगवन है, मेरवाड़ में रहता हूँ। और ये जो कंपटीशन हुआ वो मलेशिया पैराक इपो सिटी में हुआ। वहाँ पर 24 कंट्रीज़ थी। मीरा भाईंदर से मैं और मेरे स्टूडेंट्स ने वहाँ पर रिप्रेजेंट किया इंडिया को, और वहाँ पे स्टूडेंट्स को ब्रॉन्ज और मुझे गोल्ड मेडल मिला। बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया। जब भी हम लोग का नाम वहाँ पे अनाउंस होता है, इंडिया का नाम अनाउंस होता है, तो बहुत बढ़िया लगता है। वो चीज़ अलग ही चीज़ है, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते ऐसा। विजय शगवन ने मलेशिया में हुए संपन्न मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर मीरा भाईंदर के साथ साथ महाराष्ट्र राज्य का और देश का गौरव बढ़ाया है। विजय शगवन मुंबई से लेके विरार के बीच में कई जगह कराटे क्लासेस चलाते हैं। उनका कहना है कि आज युग में सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट बहुत ज़रूरी है, खासकर महिलाओं के लिए। विजय सर फ्री कैंप लगाकर इसकी शिक्षा भी देते हैं। विजय सर का कहना है कि मीरा भाईंदर शहर में कई होनहार बच्चे हैं जो मार्शल आर्ट्स देश का नाम रोशन कर सकते हैं। यहाँ के नेता इस पर ध्यान देना चाहिए और मार्शल आर्ट को प्रोत्साहन देना चाहिए। जापान जाना है, वो मेरी एक ख्वाहिश है। जापान में वर्ल्ड टूर्नामेंट में वहाँ पे 70-80 कंट्री आती है, मैक्सिमम कंट्रीज वहाँ पर वर्ल्ड टूर्नामेंट में आती है। तो लेकिन वहाँ का बजट बहुत ज़्यादा होता है, तो चाहता हूँ कि ये गेम को, हमारे मीरा भाईंदर में बहुत से टैलेंट पड़ा हुआ है, बहुत से बच्चे अच्छे फाइटर्स है जो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो नहीं जा सकते। तो मेरी यही दरख्वास्त है इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि जितने भी यहाँ पॉलिटिशियंस है या सोशल वर्कर है या स्पोर्ट्स को जो लाइक करते हैं, तो ऐसे प्लेयर्स के लिए आगे आए और उनको हौसला अफजाई करे, उनको फाइनेंशियल हेल्प करे, तो बच्चा नाम अपना रोशन कर सकता है मीरा भाईंदर का। मलेशिया में गोल्ड मेडल जीतने के बाद एवी फिटनेस जिम में विजय शिगवन सर का स्वागत किया गया विजय वाघमारे द्वारा। पहले तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि सर जो हमारे खुद एक बड़े लेवल पे पहुंच गए और वहाँ से जीत के भी आए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सर का खुद एक क्लासेस हमारी जिम के बाहर चालू ऑलरेडी एवी फिटनेस के, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम खुद और चाहेंगे कि सर अभी ये फ़िलहाल मार के गोल्ड मेडल आए, तो आगे और सर का बहुत प्रोग्राम चालू है, आगे भी और कुछ प्लानिंग चालू है सर का और जीतने का। और हमारे खुद के जिम के भी स्टूडेंट का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि वहाँ तक जाए और कुछ ना कुछ एक मेडल का लेके आए।